एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है अभिप्सा एजुकेशन फॉर एक्सलेंस के 2023 मिशन पे। तो हम लोग ने संबंध और फलन का पार्ट बेहतरीन तरीके से पढ़ चुका है। अब मैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ, फलनों का संयोजन। देखो, फलनों का संयोजन, फॉग, गॉफ, ऐसे करके पढ़ते हैं हम लोग। फलनों का संयोजन से क्वेश्चन आने की चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है? तो आप लोग इसमें ध्यान से बने रहना, बहुत ही ज्यादा ईजी है। देखो, मैं फलनों का संयोजन के बारे में बात कर रहा हूँ। फलनों का संयोजन, देखो संयोजन का मतलब क्या होता है, है ना? संयोजन का मतलब, देखो फलनों का संयोजन है क्या? संयोजन का मतलब क्या है? देखो, संयोजन का मतलब होता है मिलन। तो फलनों का संयोजन मतलब कि हम लोग दो या दो से ज्यादा फलन को मिलाकर एक नए फलन बनाते हैं, इसको हम लोग फलनों का संयोजन कहते हैं। ध्यान से देखते रहना। तो हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं बेसिकली, अगर मैं आप लोगों को बता दूं तो इधर ध्यान से बस देखते रहना ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये। चार चीज को हम लोग को बहुत ज्यादा ध्यान देना है, और इस चार चीज को ध्यान दे दिए तो ये चार अंक पक्के हैं, क्योंकि चार अंक का ही तो ये अध्याय है, चार अंक का ही तो ये अध्याय है। देखो, सबसे पहले आप लोग फॉग, ये फॉग क्या है ये चीज को आपको ध्यान रखना है। फॉग के बाद गॉफ, सर ये क्या है सब बताऊंगा। फॉग, गॉफ, FOF और GOF, गॉफ, सॉरी GOG, गॉग। देखो, अब ये ना इसमें से क्या करना है, FOG का मतलब फॉग, फॉग का मतलब देखो इसमें क्या बोलते हैं, फंक्शन ऑफ GOX, ठीक है? तो यहां पे मैं x भी डालते जा रहा हूं। चलो यहां पे देखो, फॉग को मैं ऐसे लिखा है FOG ऑफ x, ठीक है? गॉफ को मैंने लिखा GOF ऑफ x, ठीक है? आप एग्जाम में ऐसा दिए रहता है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ x रहेगा तो FOF ऑफ x, ओके। और यहां पे क्या लिखोगे, GOG ऑफ x। अब इधर ध्यान से देखते रहना, इसको कैसे पढ़ते हैं, फंक्शन ऑफ GOF x, फंक्शन ऑफ GOF x। तो ये O को हटा के ना ब्रैकेट डालना है, फंक्शन ऑफ GOF x, तो ये होता है फंक्शन ऑफ, बस ब्रैकेट डाल दो, फंक्शन ऑफ ये GOF x, इस O को हटा के बस ब्रैकेट डालना है। तो इस फॉग का मतलब क्या होता है, ये होता है। अगर मैं बात करूं इस फॉग का मतलब क्या है, ये है भाई। इसका मतलब क्या है, इसका भी मतलब ये है। इन दोनों का मतलब भाई ये ऐसे लिख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? अगर ये आप लोग समझ गए होगे तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको पढ़ते क्या है, GOF f of x, मतलब G, अब O को हटा के बोला ब्रैकेट डाल दो, F of x, ठीक है? ये F O को हटा के ब्रैकेट डाल दो, ठीक है? ये हो गया F of x, तो ये बता दो ये क्या हो जाएगा, G of g of x, क्लियर है यहां तक? तो ये ओवरऑल रहता है। तो यही हम लोग को चार चीज हम लोग को देखना है, चार चीज। अब देखेंगे कैसे, ध्यान से देखो। अगर मैं एक एग्जांपल वन लिया, मैं एफ ऑफ एक्स को डाल दिया, एफ ऑफ एक्स को चलो मैं ले लेता हूं x² - 1, और जी ऑफ एक्स को मैं ले लेता हूं साइन एक्स। अब ये चारों चीज आप लोग को बताना है। चलो, तो इसमें पहला चीज मेरे को बताओ, फॉग क्या होगा, फॉग बताइए सर। फॉग, देखो फॉग को आप लोग FOG ऑफ x लिख सकते हो। हाँ सर, सर इसको ना आप बोले थे कि ये O को हटा के ऐसे लिख लो, इसको पढ़ते ही ऐसे हैं सर, ये F of g of x। देखो ये फंक्शन है, अब इसमें ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या है F of x, यहाँ पे क्या है F of g of x, यानी इस x की जगह F है ना, तो F वाले को देखो, यहाँ पे F है तो F को देखोगे कि G को देखोगे, F को देखेंगे, तो F है ना तो F वाले को देखो, ये F है, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर X है और यहाँ पे क्या है G of x, मतलब जहां जहां पे भी X है वहां वहां पे आप लोग क्या करो, G of x डाल दो। या इससे पहले मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखो, ये फंक्शन है, ये F का F लिख लिया, G of x की क्या वैल्यू है, यहाँ पे G of x क्या दिया, G of x क्या दिया है, sin x दिया, ये sin x, ये sin x, ठीक है? तो देखो F वाला है ना, तो ये F वाले के पास जाओ, F of x है, इसमें F of sin x, मतलब यहां पे जहां जहां पे भी x है वहां वहां पे मेरे को sin x डाल देना, तो x की जगह sin x डाल दिया, x की जगह मैं sin x डाल दिया, स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1, तो इसको सॉल्व करूंगा तो
तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस वन, पहले जो मैं कर रहा था वो भी सही था, पहले जो मैं कर रहा था वो भी सही था, आप एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है तो जहां जहां पे भी एक्स है वहां वहां पे जी ऑफ एक्स लिख दो, एक्स की जगह, एक्स की जगह, ठीक है, एक्स की जगह जी ऑफ एक्स लिख दो, उसके बाद जी ऑफ एक्स की वैल्यू डाल देना। तो दोनों कर सकते हैं, हम ऐसा करेंगे। चलो दूसरा मैं बताता हूं, दूसरा और समझ में आएगा। अब मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या, तो चलो आप लोग मेरे को गॉफ की वैल्यू बता दो, गॉफ क्या आएगा। तो सर पहले तो ओ को हटा दो, तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। सर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू बताएं, ये जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, एफ ऑफ एक्स कहाँ है, एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो ये क्या है, जी है, तो ये एफ है और जी है, किसके पास जाए, जी है तो जी वाले के पास जाएंगे। देखो जी ऑफ एक्स है और ये क्या है, जी ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, मतलब इस x की जगह क्या रखा है, x square minus 1, मतलब यहां पे जहां जहां पे भी x है ना वहां वहां पे मैं x square minus 1 रख दूंगा। तो यहां पे मैं देखा, यहां पे मैं देखा, तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, ऊपर में देख रहा हूं, ऊपर में लिख रहा हूं, ठीक है, g of ये है x square minus 1, तो जहां जहां पे भी, जहां 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 पे भी x है वहां पे मैं क्या लिख दूंगा, जहां पे भी x है वहां पे क्या लिख दूंगा, चलो यहीं पे मैं लिख के बता रहा हूं, जहां पे भी g वाले में देखो, जहां पे भी x है वहां पे क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो क्या हो जाएगा आंसर मेरा, क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा बताओ, आंसर क्या हो जाएगा, साइन, साइन एक्स की जगह क्या रखूं, एक्स की जगह क्या रखूं, एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो ठीक है ना, रख देता हूं ना कि एक्स स्क्वायर माइनस वन, हो गया बोला मैं, हो गया। अगर आप लोग को ये समझ में आया होगा, तो एफ ओ एफ और जी ओ जी, ये आप लोग करके बताओ, ये आप लोग करके बताओ, चलो मस्त ध्यान से करके बताना। अपन ने यहीं पे कर दे रहे हैं, हम यहीं पे कर दे रहे हैं तीसरा कलर का, या इसको छोटा कर देता हूँ ना, मेरे को ना क्या है, अनंत जगह चाहिए, मालूम मेरे को लिखने के लिए ना अनंत जगह चाहिए, बहुत सारा जगह है और मैं लिखते जाऊँ, पर क्या करूँ, ऐसा संभव नहीं हो पाता ना कभी कभी। आप लोग को तो बढ़िया, आप लोगों के पास जैसे कॉपी रहता है तो आप लोग फटाफट लिख लेते हो। तो चलो तीसरा मैं कर रहा हूँ, तीसरा मेरे को क्या चाहिए, एफ ओ एफ, सर एफ ओ एफ, सर मतलब ना एफ ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स, ठीक है सर। सर तो क्या करेंगे ना, ये f f ऑफ x की वैल्यू डाल देंगे। सर f ऑफ x क्या है, x स्क्वायर माइनस वन, x स्क्वायर माइनस वन, अब मजा आएगा। क्यों, ये f है तो f वाले के पास गए, यहाँ पे क्या है x है और यहाँ पे क्या है x स्क्वायर माइनस वन है, मतलब इसमें जहां जहां पे भी x होगा वहां वहां पे मैं क्या रखने वाला हूँ, x स्क्वायर माइनस वन रखने वाला हूँ। तो इसमें जहां पे भी x है वहां पे x स्क्वायर माइनस वन रखने वाला हूँ, तो x की जगह मैं क्या रख रहा हूँ, x स्क्वायर माइनस वन, और क्या है होल स्क्वायर, ये माइनस वन, ये हो गया। अब चाहो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हो, पर नहीं लगाएंगे, अपन फंक्शन से छेड़छाड़ नहीं करेंगे, जैसा है वैसी रहने दो। तो चलो चौथा आप बता सकते हो क्या, चौथा थोड़ा सा कठिन है क्या, बता दो, जी ओ जी आप लोगों को बताना है गॉग, चलो बता सकते हो क्या बोला मैं, हाँ सर। सर देखो सबसे पहले ओ को हटा के सर ब्रैकेट डाल दिए, ओ को हटा के ब्रैकेट डाल दो, ठीक है, एक स्टेप यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ भाई, एफ ओ एफ ऑफ एक्स लिखना था, ये एफ ओ एफ ओ एफ ऑफ एक्स, हाँ ये नहीं लिखा तो ठीक है कोई बात नहीं, आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जी जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, जी ऑफ एक्स कहाँ पे, साइन एक्स। अब किसके पास जाऊँ मैं, जी वाले के पास जाऊँ कि एफ वाले के पास जाऊँ, सर जी है ना तो सर जी वाले के पास जाऊँ ना सर, सर ये जी ऑफ एक्स ना साइन एक्स दिया हुआ और यहाँ पे जी ऑफ साइन एक्स है, मतलब जहां जहां पे भी एक्स है ना वहां वहां पे मैं साइन एक्स लगाने वाला हूँ, तो इसमें जहां पे भी एक्स है वहां पे मैं क्या लगाने वाला हूँ, साइन एक्स लगाने वाला हूँ। तो ये हो जाएगा साइन ब्रैकेट में क्या है x, तो x की जगह क्या लिखने वाला हूं, मैं साइन x लिखने वाला हूं, ये साइन x, तो ऐसा लिखते हैं। मैं चारों को आप लोगों को बता दिया कि कैसे लिखते हैं बोला मैं, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये देखो, ये आ गया प्यार से आया, ये भी बहुत बेहतरीन तरीके से आया और ये भी बहुत जबरदस्त तरीके से आया और इसको तो आना ही था, तो ये मैं आप लोगों को बेसिक बना दिया। तो देखो दो फलनों को मिला के एक नया फलन बनाए हम लोग, वही है फलनों का संयोजन। देखो यहाँ पे एफ और एफ ये दोनों फंक्शन को मिलाए और नया फंक्शन बना दिया, क्लियर है। यहाँ पे देखो एफ वाला फंक्शन और जी वाला फंक्शन को मिलाए और नया फंक्शन बना दिया, क्लियर है कहानी। तो देखो फिर एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, अब एग्जाम में बच्चे क्वेश्चन देखते हैं ना तो ये क्वेश्चन चीख चीख के बोलते हैं कि छोड़ दे तेरे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन देख के ऐसा भयंकर टाइप का लग रहा है कि ये क्या है, लेकिन अभी तो पढ़े ना कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको क्वेश्चन को पढ़ो, यदि f such that r से r संबंध में फलन में बताया हूं मैं, यहाँ पे n tends to n था, n नेचुरल नंबर था, बताया था ना मैं आपको, यहाँ पे r tends to r है, मतलब ये जो r है ना रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है ये।
तो f दे दिया है और g दे दिया है, फलन क्रमशः f ऑफ x और g ऑफ x, गजब, f ऑफ x और g ऑफ x दे दिया है, द्वारा परिभाषित है। तो गॉफ और फॉग ज्ञात कीजिए, चार ठो इससे पहले मैं करवाया अभी, तो इसमें क्या पूछा, ये चार ठो करवाया मैं, तो हम लोग इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, फॉग पूछ रहे हैं और गॉफ पूछ रहे हैं, देख लेना आप लोग, ये देखो गॉफ और फॉग पूछ रहे हैं, और सिद्ध कीजिए कि गॉफ नॉट इक्वल टू फॉग। चलो भाई, इतना छोटा सा चीज अगर हम लोग को नहीं आ पाएगा तो क्या आएगा, तो आराम से देखना, आराम से देखना, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। सबसे पहले दिया है, क्या दिया है, दिया है, हाँ दिया है, अब क्या दिया है, देखो फंक्शन एफ, फंक्शन एफ सच दैट, जो कि आर से आर में परिभाषित है, बहुत गजब। और क्या है, ये जो फंक्शन जो हमारा जी है वो भी आर से आर में परिभाषित है, एक नंबर दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स, ये एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, कॉस एक्स दिया हुआ है, चलो ठीक है कॉस एक्स, बहुत जबरदस्त चीज दिया हुआ है। और जी ऑफ एक्स क्या है, जी ऑफ एक्स दिया हुआ है थ्री एक्स स्क्वायर, गजब। तो हम लोग को सबसे पहले ना गॉफ निकालना है और फॉग निकालना है, और हम लोग को बताना है कि ये दोनों बराबर नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, तो सबसे पहले गॉफ निकाल लेते हैं, ये गॉफ, चलो गॉफ में निकाल रहा हूं, तो गॉफ है जी ओ एफ, तो इसको ऐसे भी लिख लो ना यार, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये एफ ऑफ एक्स वाला नहीं लिखोगे, डायरेक्ट ब्रैकेट कर दोगे तो भी चलेगा, तो इसको सर ऐसे भी लिख सकते हैं, सर आप बोले ओ को हटा के डायरेक्ट एफ ऑफ एक्स लिख दो, ठीक है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स पढ़ेंगे इसको। और एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है क्या, बता दो, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है क्या, कहीं पे देखो एफ ऑफ एक्स, यस सर कॉस एक्स दिया हुआ है, कॉस एक्स दिया हुआ है सर, कॉस एक्स, ये हुआ कॉस एक्स, अब हो गया सर, वो जी वाला है ना, जी ऑफ कॉस ऑफ एक्स, तो यहां ना सर एफ वाला है और जी वाला है, तो किसमें देखेंगे, वहां जी है तो जी वाले के पास जाएंगे, ये जी ऑफ एक्स है और एक्स की जगह में यहां पे क्या है, कॉस एक्स है, मतलब यहां पे जहां पे भी एक्स होगा ना वहां पे मैं कॉस एक्स डालूंगा, तो यहां पे क्या है देखो थ्री एक्स स्क्वायर है, तो एक्स की जगह मैं कॉस एक्स डाल दूंगा, तो थ्री कॉस एक्स का होल स्क्वायर, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो। तो मेरे पास फाइनली गॉफ का जो आंसर आया वो थ्री कॉस स्क्वायर एक्स आया ये। अब आप लोग ऐसा लहर नहीं बनाओगे भाई, आप लोग क्या करोगे, ऐसे एक बक्से में बंद करना, ऐसे बक्से में, ठीक है, लहर तो कॉपी में अच्छा दिखता करके अपन बना देते हैं, पर एग्जाम में ऐसे बॉक्स में बंद करना। अब गॉफ हो गया, फॉग हम लोग देखेंगे, फॉग देखो यहाँ पे दिया है कि ये सिद्ध करना है कि गॉफ नॉट इज इक्वल टू फॉग, मतलब ये तो क्लियर बात है कि गॉफ और फॉग का आंसर तो सेम नहीं आएगा, फिर भी करके देख लेते हैं। तो सर ये फॉग है, चलो सर ये हो गया एफ ओ जी, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एफ ओ जी ऑफ एक्स, तो सर ये ओ को हटा के ब्रैकेट डाल दो, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, क्लियर है। अब जी ऑफ एक्स कहीं पे दिख रहा है क्या, जी ऑफ एक्स देखो कहीं पे, हाँ थ्री एक्स स्क्वायर दिख रहा है, f of g of x की वैल्यू 3x स्क्वायर। अब सर ये f है, सर यहां f और g है, तो सर किसके पास जाएंगे, वहां पे f है ना तो f के पास जाएंगे, तो देख रहे हो f of x है और वहां क्या है f of 3x स्क्वायर, मतलब यहां पे जहां पे भी x है ना वहां पे मैं क्या करूंगा, x की जगह 3x स्क्वायर डालूंगा, तो ठीक है, तो यहां पे cos x है तो x की जगह मैं 3x स्क्वायर डालूंगा, तो ये हो जाएगा cos x की जगह 3x स्क्वायर, ये आया। तो फॉग की वैल्यू क्या आ गई, देखो ये फॉग की वैल्यू है, ये फॉग की वैल्यू क्या है भाई, कॉस 3x स्क्वायर आ गई, और इसको आ गई तो मैं बॉक्स में बंद कर दूंगा, ये आ गया। क्या दोनों सेम है, दोनों सेम नहीं है भाई, तो यहां पे लिखेंगे फॉग नॉट इज इक्वल टू गॉफ, हैंड्स प्रूफ सिद्ध हुआ। हाँ यहाँ पे गॉफ नॉट इज इक्वल टू फॉग एक ही मतलब है भाई, फॉग नॉट इज इक्वल टू गॉफ बोलो या गॉफ नॉट इज इक्वल टू फॉग बोलो, तो ये आ गया आंसर, ये सिद्ध हुआ भाई, इति सिद्धम लिखेंगे आप, या सिद्ध हुआ, ठीक है सिद्ध हुआ। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया, ये देखो ये क्वेश्चन आते हैं। चलो क्वेश्चन टू देखते हैं, थोड़ा अजीब सा है दिखने में लेकिन कोई अजीब सा नहीं है। देखो मान लीजिए कि फंक्शन सच दैट, ये टेंस टू इतना दिया, इससे पहले अगर मैं देखूंगा तो जो फंक्शन था वो r टेंस टू r दिया हुआ था, मतलब वास्तविक संख्या है, माइनस इन्फिनिटी के इन्फिनिटी के बीच का रहता है, उसमें कुछ भी हो सकता है। इसमें ये बोल दिया कि फंक्शन जो है मेरा 2 3 4 5 टेंस से 3 4 5 9 है, और
ये जी सच दैट ये दे दिया। दो फलन इस प्रकार परिभाषित है कि एफ ऑफ टू बराबर थ्री, एफ ऑफ थ्री बराबर फोर, एफ ऑफ फोर बराबर और एफ ऑफ फाइव बराबर फाइव। मतलब ध्यान से देखो, ये एफ ऑफ टू मतलब इस टू को रखने पर देखो थ्री आया, थ्री को रखने पर फोर, फोर और फाइव को रखने पर क्या आया, फाइव आ रहा है, ये ऐसा बोल रहे हैं, ठीक। और जी ऑफ थ्री, जी ऑफ फोर इज इक्वल टू है सेवन, और जी ऑफ फाइव, जी ऑफ नाइन इज इक्वल टू है इलेवन, ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है। तो गॉफ ज्ञात कीजिए, हमको ज्ञात क्या करना है, गॉफ ज्ञात करना है, ध्यान से बस देखना, गॉफ ज्ञात करना है हम लोग को। तो ये क्वेश्चन देखने में जितना अटपटा लग रहा है, सॉल्यूशन उतना ईजी है, बोला मैं ये हल लिखे हम लोग, ये हल देखो दिया है ना, सबसे पहले लिख दिया करो, क्योंकि ने दिया है ना, इतना जबरदस्त चीज है, क्यों बताऊं, क्योंकि इससे ना स्टेप भी बढ़ जाते हैं और इसमें ना मार्क्स भी मिलते हैं, ठीक है। तो क्या दिया है, देखो एफ सच दैट, एफ सच दैट दो तीन चार पांच टेंस टू, तीन तीन चार पांच नौ, ये हो गया। और जी सच दैट, जी सच दैट तीन चार पांच नौ टेंस टू, क्या दिया है, कुछ दिख रहे क्या, सात ग्यारह पंद्रह, ओके सात ग्यारह, ये ना दिया हुआ है, ये हम लोग को दिया हुआ है, ठीक। अब सबका मान ज्ञात करना है, तो हम लोग को गॉफ का मान ज्ञात करना है। चलो यार गॉफ, तो सबसे पहले ना ध्यान से देखना है ना, ध्यान से देखना, थोड़ा सा बस दिक्कत वाली बात तो नहीं है, पर थोड़ा सा आप लोग के क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा डर लगता है, कुछ नहीं, अगर आपको गॉफ का कंसेप्ट क्लियर है तो गॉफ क्या होता है वहां तक पहुंच जाओ। बस जी ओ एफ है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, बोला जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो ओ को हटा के ब्रैकेट डाल दो, बोला एफ ऑफ एक्स, बस ध्यान से देखना है। देखो अब हम लोग क्या था क्वेश्चन में, ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ना ऐसे गिवन रहती है, देखो क्वेश्चन वन में बोलूंगा तो देखो एफ ऑफ एक्स हम लोग को ये देखो ऐसे गिवन रहता है, तो हम लोग को ये देखने का आदत है कि भाई एफ ऑफ एक्स की कुछ ना कुछ तो वैल्यू रहेगी। इस क्वेश्चन में वैसा नहीं दिया, इस क्वेश्चन में इस फॉर्म में दिया, ध्यान से देखो ब्रैकेट में क्या रहता है, ब्रैकेट में एक्स है भाई, ब्रैकेट में एक्स है, ये एक्स की जगह लिखा हुआ है, ये एक्स की जगह लिखा हुआ है, ठीक है। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो ध्यान से देखो जी एक्स की जगह ना यहां पे क्या है, दो है, एक्स की जगह दो है, ये एक्स की जगह दो है, एक्स की जगह दो है, ये हो गया जी। तो एफ ऑफ, पहले देखो मैं इसको पकड़ा, इसको इस पर मैं कंसंट्रेशन कर रहा हूं, ये देखो पहले वाले को मैं घेरा, तो मैं देखा एफ ऑफ एक्स होता है एक्स की जगह दो है, तो एक्स की जगह दो डाल दिया। अब देखो एफ ऑफ टू की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ टू की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ टू की वैल्यू है थ्री, एफ ऑफ टू की वैल्यू है थ्री, ये आ गया इसका काम। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरे गॉफ की वैल्यू चाहिए, तो देखो जी ऑफ थ्री की वैल्यू क्या है, जी ऑफ थ्री की वैल्यू है सेवन, जी ऑफ थ्री की वैल्यू है सेवन, तो ये आ गया सेवन। बस ऐसे ही करते जाना है, अब ध्यान से देखना, एक एक में बस पुट करते जाऊंगा, एक एक में बस पुट करते जाऊंगा, यहां पे पहले दो पुट किया ना, अब क्या पुट करूंगा, तीन। तो यहां पे ध्यान से देखो जी ऑफ एफ ऑफ थ्री पुट किया, तो एफ ऑफ थ्री की वैल्यू क्या है बता सकते हो क्या, जी ऑफ एफ ऑफ थ्री की वैल्यू क्या है, कहां है, एफ ऑफ थ्री की वैल्यू है फोर, एफ ऑफ थ्री की वैल्यू है फोर, ये लो। तो जी ऑफ फोर की वैल्यू क्या है, जी ऑफ फोर की वैल्यू है सेवन, जी ऑफ फोर की वैल्यू है सेवन, जी ऑफ फोर की वैल्यू है सेवन, क्लियर है क्या, यहां तक बात क्लियर है क्या। चलो यहां पे ना स्मॉल ब्रैकेट दिया हुआ है, तो यहां पे स्मॉल ब्रैकेट डाल देता हूं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता ना, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये हो गया है ना। हम लोग भाई अभी अभी हम लोग क्या बोलते हैं वो शो नहीं कर रहे हैं कि छोटा ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट सेट्स जब हम लोग करते हैं ना, तो ये संख्या इंक्लूडेड है कि नहीं, रेंज जब बताते हैं ना उसमें ज्यादा महत्व है छोटा ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट का, यहाँ पे ठीक है, ये हो गया। और क्या है, अब क्या पुट करूंगा, एक्स की जगह टू पुट कर दिया, थ्री पुट कर दिया, टू पुट कर दिया, थ्री पुट कर दिया, फोर और फाइव पुट करूंगा, फोर और फाइव पुट करूंगा, तो जी ऑफ एफ ऑफ फोर और जी ऑफ एफ ऑफ फोर की वैल्यू क्या है, जी ऑफ एफ ऑफ फोर की वैल्यू फाइव, तो जी ऑफ फाइव की वैल्यू क्या है, जी ऑफ फाइव की वैल्यू क्या है इलेवन, जी ऑफ फाइव की वैल्यू है इलेवन। अब एक लास्ट बचा है मेरे पास, लास्ट बच गया बताऊं, जी ऑफ एफ ऑफ, पहले दो पुट किया, फिर तीन पुट किया, चार पुट किया, अब क्या करना है, दो तीन चार, अब पांच पुट करना, ठीक है, तो एफ ऑफ फाइव, तो जी ऑफ एफ ऑफ फाइव क्या हो गया, जी ऑफ एफ ऑफ फाइव की वैल्यू दी है फाइव, तो जी ऑफ फाइव की वैल्यू क्या दी हुई है, जी ऑफ फाइव की वैल्यू कहीं पे दी है, जी ऑफ फाइव की वैल्यू इलेवन दी, जी ऑफ फाइव की वैल्यू इलेवन दी है, तो मेरा आंसर क्या हो गया, आंसर मेरा क्या हो गया, देखो टू रखने पे आया सेवन, सेवन कॉमा
फोर रखने पे आया सेवन, सेवन फाइव, फोर रखने पे नहीं सॉरी थ्री रखने पे आया था, x की वैल्यू थ्री रखा तो g ऑफ फोर आया तो सेवन मिला। यहाँ पे जब मैं f ऑफ फोर हुआ तो g ऑफ फाइव इज इक्वल टू इलेवन और यहाँ पे इलेवन। तो ये है मेरा उत्तर। ओवरऑल ऐसा करते हैं तो मैं दो टाइप का प्रश्न लिया और जिसमें तो देखो ये तो अभी करवाऊंगा मैं, जिसमें से देखो एक तो मस्त मिल गया हम लोग को, एक तो मस्त मिल गया कि भाई एफ ऑफ एक्स दे दिया जी ऑफ एक्स दे दिया, लाइफ चकाचक बन गया सर, लाइफ बेहतरीन बन गया सर, इसमें नहीं दिया था ना तो दिक्कत हुआ। अब दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, देखो प्रैक्टिस करो। अब तीसरा देखो, अब तीसरा को देख के ना ऐसा लगता है कि क्या करूं सर मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ना मपांक आ गया मॉड आ गया, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो आप लोग, कुछ फर्क नहीं पड़ता इससे कि क्या दिया है क्वेश्चन। तो ये ना दूसरा वाला आप लोग का होमवर्क रहेगा, दूसरा वाला आप लोग का होमवर्क रहेगा। मैं पहला वाला बता रहा हूँ, पहला वाला बता रहा हूँ मैं। तो पहला क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स है ये, मॉड ऑफ एक्स। ये क्या है, जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स क्या है, इज इक्वल टू मॉड फाइव एक्स माइनस टू। मॉड के बारे में बहुत डिस्कशन किया हूँ मैं अपने ऐप में, है ना, अभिप्सा एजुकेशन फॉर एक्सलेंस का प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें मापांक के बारे में बहुत जबरदस्त मैं डिटेल किया हूँ कि क्या है कैसा है। अब इसमें क्या करना है, गॉफ और फॉग ज्ञात करना है, ठीक है। ये गॉफ मैं सबसे पहले निकाल रहा हूँ गॉफ, ठीक है। अब ध्यान से बस देखना, अगर मैं गॉफ की बात करूँ तो जी ओ एफ ऑफ एक्स कर सकता हूँ, क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ, जी ब्रैकेट में एफ ऑफ एक्स, हाँ सर कर सकते हो। सर ये जी एफ ऑफ एक्स कहाँ है, यहाँ पे ये है सर मॉड ऑफ एक्स, मॉड ऑफ एक्स, ये क्या है जी, तो जी वाले के पास जाऊंगा, जहां जहां पे भी एक्स है वहां वहां पे मॉड एक्स डाल दूंगा। तो ये हो जाएगा, इसमें जहां पे भी एक्स है वहां मॉड एक्स डालूंगा, फाइव मॉड एक्स माइनस टू। ये हो गया भाई, ये इसका आंसर तो हो गया, किसका, गॉफ का, गॉफ का हो गया। तो मैं फॉग का भी निकाल लूंगा, फॉग का कौन सी बड़ी बात है अगर गॉफ हो गया तो, फॉग तो मैं ऐसे लिख सकता हूं एफ ओ, एफ ओ जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, ओ को हटा के ब्रैकेट डाल दो, ओ को हटा के ब्रैकेट डाल दो, जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स कहीं पे दिख रहा है कि इस दुनिया में जी ऑफ एक्स का अस्तित्व है क्या, यहां पे है देखो। तो ये हो जाएगा फाइव एक्स माइनस टू, फाइव एक्स माइनस टू, है ना, ये ब्रैकेट एक्स्ट्रा डाल देता हूं कभी कभी। अब क्या करना है, एफ वाले के पास जाते हैं सर, देखो एफ वाले के पास गए तो जहां जहां पे भी एक्स है वहां वहां पे क्या डालूंगा मैं, मॉड फाइव एक्स माइनस टू। तो देखो यहां पे गया मैं, ये मॉड का मॉड लगाया, एक्स की जगह क्या डालूंगा, एक्स की जगह ये पूरा डालूंगा, तो मॉड फाइव एक्स माइनस टू मॉड, और ये मॉड क्लोज। अब सुनो, दो मॉड लिखने का मतलब नहीं है, मॉड बोलता है कि धनात्मक ही दूंगा, तो अगर यहां पे कुछ ऋणात्मक आएगा तो बाहर निकल के धनात्मक हो जाएगा, धनात्मक का मॉड धनात्मक ही होगा, तो दो बार मॉड है तो उसको एक ही बार आप लिख सकते हो। ये हो जाएगा 5x माइनस टू, ये हो गया इसका आंसर। तो ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आएगा तो ये दो नंबर के लिए, दो नंबर के लिए, चार नंबर का हो जाएगा, ये एक साथ दे देगा, ये एक साथ दे देगा। तो तीन क्वेश्चन कराए, तीन क्वेश्चन लाजवाब थे, ये चार नंबर के लायक देख सकते हैं भाई क्वेश्चन, ऐसा नहीं है चार नंबर के लायक दे सकते हैं। और ये मैं आप लोग को बेसिक बताया, ये भी चार नंबर के लायक आ सकता है, ये इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा कर देगा, बस कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये हुआ, तो यहाँ पे फलनों का संयोजन मैं खत्म करता हूँ बच्चों। आशा करता हूँ कि आप लोग ना पढ़ रहे होगे, तो मैं क्या बोलता हूँ, मेरा क्या सिग्नेचर स्टेप क्या, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए लेकिन पढ़ते भी रहिए। मिलते बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।